हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल्स पे अभी तक बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पर उसका प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो आप वहां पर जा करके विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जहां पर वन बाय वन सीरियल ऑर्डर में आपको हर एक वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां पर विजिट करें और अपना जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। यदि कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस एग्जाम्पल पे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करे हैं, तो अभी भी हम रिमाइंडर थ्योरम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके बाद जो है हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ओके, सो दिस ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तक जो हम रिमाइंडर थ्योरम में एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे थे वहां पर क्या था, वहां पर हम रिमाइंडर निकाल रहे थे। ओके, हम वहां पर रिमाइंडर निकाल रहे थे। तो रिमाइंडर यदि जीरो आता है तो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस करे हैं कि यदि रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, रिमाइंडर वन भी आ सकता है, रिमाइंडर टू भी आ सकता है। ओके, इट कैन बी एनी नंबर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो बस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ओनली द कंडीशन। ओके, जिसको आपको सेटिस्फाई करना होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल दे दिया है और ये पॉलिनोमियल बोल रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ 2x+1। क्या है, मल्टीपल है 2x+1 का। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तुम इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब हो गया कि रिमाइंडर शुड कम जीरो, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो यदि रिमाइंडर जीरो आया तो क्या होगा, यहां पर बोला गया है चेक करने वेदर द पॉलिनोमियल इज द मल्टीपल ऑफ दिस और नॉट, तो वो ट्रू हो जाएगा। यदि नहीं आया जीरो तो ये जो स्टेटमेंट बोला है इज ए मल्टीपल ऑफ 2x+1 वो गलत हो जाएगा। ओके, तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है हम फैक्टर थ्योरम में भी पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे, आगे के वीडियोज़ में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो हेयर दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, मल्टीपल दिखाना है तो प्रोसेस जो होगा इसका, प्रोसेस विल बी सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवेन द पॉलिनोमियल पी एक्स दैट इज इक्वल टू 4x³ + 4x²-x-1। इसके बाद जो दूसरा पॉलिनोमियल है दैट इज 2x+1, उसको मैंने बोला है कि उसको आप चाहो तो लेट भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जी एक्स। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू, हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। सो हाउ, उसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट जी एक्स शुड बी मेड इक्वल टू जीरो। जैसे ही मैं जीरो करूंगा तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, 2x+1 है। सो 2x+1 विल बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। 1 इस साइड आएगा, इट विल टर्न्स टू नेगेटिव और ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी -1/2। ओके, तो इस तरीके से हमारा जीरोस तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई थ्योरम। सो यहां पर याद रखना है क्या दिखाना है हमें, मल्टीपल। ओके, तो मल्टीपल के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यदि जीरो आया तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। तो लेट्स सी, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है पी एक्स उसमें पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -2 इन पॉलिनोमियल पी एक्स, जैसे ही रखोगे तो पी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो p
एक्स के जगह पे माइनस वन बाई टू आ गया, इसका मतलब यहाँ पर अब जहाँ जहाँ एक्स का वेरिएबल तुम देख रहे हो वहाँ पर तुम क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे विद माइनस वन बाई टू। तो चलो इसको रिप्लेस करते हैं, सो इट विल बी फोर मल्टीप्लाई माइनस वन अपन टू का पावर क्यूब प्लस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन अपन टू का पावर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस वन अपन टू है, यहाँ बाहर में भी माइनस वन अपन टू है, तो ये हो जाएगा प्लस वन अपन टू माइनस वन। इसको तुम सॉल्व करोगे तो माइनस फोर मल्टीप्लाई वन अपन एट, इधर प्लस होगा फोर मल्टीप्लाई वन अपन फोर प्लस वन बाय टू माइनस वन। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इधर वन होगा वन बच जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा वन बाई टू माइनस वन बाई टू, यहाँ प्लस वन बाई टू है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ पर माइनस वन है। सो एज यू कैन सी क्या आया, पी माइनस वन अपन टू का वैल्यू जीरो आया। ओके सो द द रिमाइंडर इज जीरो, hence we can say that px is multiple of 2x plus 1, हो गया proved। okay तो यदि कभी भी मल्टीपल बोले या फिर फैक्टर बोले, यदि ये बोलता है कि दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ओके तो ये भी यदि बोलता है तो भी क्या होगा, तो भी हमें दैट रिमाइंडर को हमें जीरो दिखाना होगा। ओके तो भी हमें रिमाइंडर को जीरो दिखाना होगा, यदि जीरो आता है तो वो फैक्टर कहलाएगा या फिर हम बोल सकते हैं वो मल्टीपल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके एज मच नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस वी सॉल्व, हमारा कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक पे और क्लियर होता जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करें जिससे कि मैं आगे भी आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोज़ बनाता रहूँगा।